हेलो फ्रेंड्स, मैं अविनाश, मैं फिर से वेलकम करता हूँ मेरा चैनल कोलकाता लव बर्ड। तो फ्रेंड्स, आज तो इधर शूट कर रहे क्योंकि इधर से हम लोग जाएंगे रेड फैक्टर पाइन एपल कूल एक प्यार है वो मेरा दोस्त के घर में, तो उसको लेने जाएंगे। तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा इधर शूट कर लेते हैं। और एक्चुअली मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, काफ़ी सारे फ्रेंड मुझे बोलते हैं जी आप क्या करते हैं, आप क्या बिजनेस करते हैं, आपका प्रोफेशन क्या है। मैं सोचा थोड़ा एक बार दिखा दूँ, जब मौका है एक बार थोड़ा दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं सब ये सब चीज़ जो गिफ्ट आइटम आपको दिख रहा है, इसका मैं प्रिंटिंग का जॉब करता हूँ। जैसे 3D है, ये सबसे यूनिक प्रोडक्ट है, और ये जो फोटो मॉग है, ठीक है। तो ये सब गिफ्ट का मतलब आइटम है, ये सब मैं प्रिंट करके, ये सब मेरा मेन बिजनेस है, ये टी शर्ट पे। तो और ऑल ओवर कोलकाता में ऐसा मेरा 300-350 स्टोर है जहाँ पे मेरा माल सप्लाई होता है, और काफ़ी सारा कंपनी भी है कॉरपोरेट जहाँ पे बाल कॉर्डर में मेरा प्रोडक्ट जाता है। तो ऐसा पर्सनलाइज गिफ्ट आइटम बोलते हैं, काफ़ी सारा फ्रेंड को पता होगा। तो इस चीज़ का मेरा मतलब मेरा बिजनेस है, ये मेरा प्रोफेशन है। और एक प्रोफेशन है मेरा, तो मतलब मैं एक कंप्यूटर फैकल्टी हूँ, मेरा छोटा सा एक इंस्टीट्यूट है, उधर मैं मल्टीमीडिया एनिमेशन ये सब बैच कराता हूँ। आइए बगल में है, मैं दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मेरा इंस्टीट्यूट है, छोटा सा इंस्टीट्यूट है। और ये मतलब मेरा बहन है, मतलब फैकल्टी है इधर का, ये सब स्कूल कोर्स जो बेसिक कोर्स होता है फैकल्टी मतलब यही कराता है, इसका नाम नंदा है। और मैं जो एनिमेशन कोर्स होता है मल्टीमीडिया का कोर्स है वो मैं कराता हूँ। तो एक छोटा सा इंस्टीट्यूट है मेरा, एक इधर मैं कंप्यूटर का कोर्स कराता हूँ, और वो जो पेंटिंग जॉब है वो पेंटिंग का बिजनेस करता हूँ। तो काफ़ी सारा फ्रेंड मुझे पूछ रहा था आप क्या करते हैं, आपका प्रोफेशन क्या है, तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा आपके साथ शेयर कर लूँ। तो चलिए अभी जाएंगे उस फ्रेंड के घर में, उस फ्रेंड का सेटअप पे जाएंगे, और अगर वो परमिशन देगा मतलब वो अलाउ करेगा तो उसका सेटअप भी आपको मैं विजिट कराऊँगा। क्योंकि काफ़ी सारा बिल्डर होता है जो अपना सेटअप मतलब यूट्यूब पे या किसी चैनल पे पब्लिश करना या एडवर्टाइज करना पसंद नहीं करते, तो मैं पूछूंगा, अगर वो उसका मतलब राजी होंगे वो, तो मैं उसका सेटअप भी दिखाऊंगा। उसका सेटअप काफ़ी अच्छा है, और सेटअप मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब वो तो प्रोफेशनल बिल्डर नहीं है, मतलब भविष्य में किया हुआ है, लंबा मतलब बड़ा सा घर है, घर में काफ़ी सारा बार्स को छोड़ के रखा है, बजीज से कॉकटेल है, येलो साइड है, अरे रेड फैक्टर पाइन एपल है, जिसका चिक्स में ले जाने वाला। तो चलिए जाते हैं, जाके आपको दिखाते हैं क्या लेने वाला हूँ, और अगर मौका मिले तो उनका सेटअप भी आपको विजिट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम और गोपाल जाएंगे, बाइक से जाएंगे, नज़दीकी है मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे है, लेकिन बार्स लेना है इसलिए थोड़ा बाइक से ही जाएंगे। तो एक केज मैंने ले लिया हूँ, एक केज से और दो बार्स को ले जाऊँगा। तो चले जाते हैं, कंप्यूटर को थोड़ा बंद कर देते हैं, लोकल पे ही है, हेलमेट का जरूरत नहीं होगा क्योंकि 2-4 मिनट का बगल का डिस्टेंस है, हेलमेट नहीं लगेगा, ऐसे ही जाते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे। चलिए तो फ्रेंड्स, आ गया उसका घर में, तो वो केज लेके चला आया, देखिए शायद कुछ नया बात ले आने वाला है, उसे काफ़ी बड़ा बड़ा केज लेके आया, ठीक है पूछेंगे ऐसो। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा फ्रेंड्स, इसे हम राजा है, इसका ही सेटअप है, और इसका मतलब पाइन एपल रेड फैक्टर कूल है जो मैं ले आने वाला हूँ। चलिए सेटअप के अंदर जाते हैं। तो भाई बोला कोई बात नहीं, आप वीडियो करेंगे तो काफ़ी अच्छा बात है, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थैंक यू वीडियो बनाने के लिए, आइए फिर आपको मैं दिखाता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, बाहर से मैं थोड़ा कवर कर रहा हूँ, सारा बच्चे इसको एक मतलब खाने दिया है मेरे फ्रेंड्स ने, तो कितने अच्छी तरह से खा रहे हैं, देखिए कितना अच्छा नज़ारा है। तो ठीक है चलिए अभी अंदर जाते हैं, अंदर जाके देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी अंदर आ गया, देखिए इनका जो सेटअप है, एक बड़ा सा घर में सारा बाक्स को छोड़ के रखते हैं, सब बज्जी से, काफ़ी दिन से बाक्स रखते हैं अपने शौक से, काफ़ी मतलब शौक है व हॉबी है इनका बाक्स का। तो और ये देखिए ग्रीन चिक कुरू, ये ग्रीन चिक कुरू है,
इसका भी बॉक्स दे दिया है अभी, मतलब इसमें एक दिया है ब्यूटीफुल, ये मेटिंग कर रहा है अभी तक, मतलब एक नहीं दिया है। और जो पाइनएप्पल फूल ले आने वाले हैं ऊपर बैठा हुआ है, देखिए पूरा छोड़ के रखता है, ये पूरा ऊपर बैठा हुआ है, इसको लेके जाने वाले हैं हम। देखिए फ्रेंड्स, ये है रेड फैक्टर फ्लू। आपको मैं पिछले वीडियो में बता रहा था, क्योंकि मेरे पास एडल्ट नहीं था, लेकिन ये एडल्ट पीस है, मतलब ये पेरेंट्स है। इसका कलर अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा रेड फैक्टर पाइनएप्पल फ्लू जब एक्चुअल कलर में आता है तो कैसे लगता है। आपको मैं दिखाऊँ, मतलब थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब पोजिशन आएगा तभी आपको दिखाएगा, क्योंकि इसके घर में अभी भी पीक से 5 पीक से नेक्स्ट क्लास का, तो थोड़ा अभी शाम का टाइम हो गया है तो थोड़ा अंधेरा है, तो बाद में आपको इसको कवर करूँगा तो आपको समझ में आएगा रेड फैक्टर कोनूर और नॉर्मल कोनूर का जो डिफरेंस है वो आपको अच्छी तरह से पता चलेगा। तो ये एडल्ट प्यार है, मतलब मोल्डिंग के बाद, मैं जो बता रहा था मोल्डिंग के बाद कलर कैसे आता है इसको देखने से आपको पता चलेगा। ठीक है, पहले दूसरे बात को दिखा देते, अभी देखिए इसके अंदर एक छोटा सा कॉलोनी बना के रखा है मेरे फ्रेंड ने, कॉकटेल का कॉलोनी, काफ़ी अच्छा कॉलोनी है और काफ़ी हेल्दी बात है, सब ब्रीडिंग प्यार है, मतलब सब प्रोग्रेस करता है, 3-4 करके सब चीज निकलते हैं। और सारे घर में देखिए बज्जी से, पूरा घर में बज्जी से और मछली लगा के रखा है, सब में एक या चीज सब में है, तो काफ़ी अच्छा लगता है जब मैं सेटअप पे आता हूँ, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स एक प्रोग्रेस दिखा रहे हैं, देखिए फ्रेंड्स सब चीज़ काफ़ी बड़ा हो गया है और एक भी लेकर दिया है, और इसका ऊपर का, मतलब ऊपर का घर का सेटअप है तो वेंटिलेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, रूम काफ़ी ठंड रहता है, गर्मी का उतना, मतलब उतना गर्मी नहीं आता है, बात का कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, बात काफ़ी अच्छे से, काफ़ी खुश है, गर्मी का कोई भी प्रॉब्लम बात को मैं नहीं देख रहा हूँ, काफ़ी अच्छी वेंटिलेशन है और काफ़ी सारा मच्छी लगा हुआ है, और सारे मच्छी से कुछ ना कुछ बात, कुछ ना कुछ चीज एक है, तो वो तो अच्छा टॉपिक नहीं है भाई, इसका प्रोग्रेस अगर दिखाएंगे आपको तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आज जो हमारा टॉपिक है रेड फैक्टर पाइनएप्पल फ्लू, उनको मैं आप मतलब दिखाने का कोशिश करता हूँ। चलिए तो फ्रेंड्स अभी देखिए, अभी मतलब चीक नेक्स्ट क्लास का दिखाएंगे आपको, फीमेल अंदर बैठा हुआ है, मैं आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे एक फिंच का कॉलोनी है, अभी तो शाम का टाइम है इसलिए नहीं पता चल रहा है, सारे मतलब मछली में एक है, चीक है, मैं कहा मतलब तभी आऊँगा तो सारा प्रोग्रेस और सारा जो बात है उनको मैं डिटेल्स में दिखाऊंगा आपको। एक फिंच का कॉलोनी है, मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ हाँ, जो काफ़ी अच्छा सेटअप व काफ़ी अच्छी तरह से ये सेटअप बना है, मतलब ये एक्चुअली जावा है, फिंच नहीं है, सॉरी फिंच, एक्चुअली क्या है फिंच व जावा तो मैं कभी किया नहीं हूँ, थोड़ा कॉन्फ्यूज हो जाता हूँ, थोड़ा अंधेरा भी है, तो ये जावा है। काफ़ी अच्छा कॉलोनी बना के रखा है फ्रेंड्स ने, और प्रोग्रेस भी बहुत ही अच्छा हो रहा है, तो चलिए अभी पाइनएप्पल फ्लू का प्रोग्रेस देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स 5 चीक्स, काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस है, मतलब कुनूर आपको बोल रहा है, मैं इसलिए मैं बहुत पसंद करता हूँ, कुनूर का प्रोग्रेस काफ़ी अच्छा होता है, 5 चीक्स, वो पिछले क्लास का भी 4 चीक था लेकिन 2 चीक एक्सपायर कर गया था किसी वजह से, इस अभी सेकंड क्लास में देखिए 5 चीक है, तो ये सारा चीक मैंने बुक करके रखा है फ्रेंड को, जब ये सब सेब्रीडिंग पे आ जाएगा
तो ये सबको भी मैं लेके जाऊंगा। काफ़ी अच्छा लगता है ऐसा प्रोग्रेस देखना, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है प्रोग्रेस देखना। मुझे जो भी प्रोग्रेस मेरा सेटअप पे भी होता है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो अभी देखिए फ्रेंड्स का घर पे आया हूँ, उसका भी कितना बढ़िया प्रोग्रेस है। अगर बात को आप शिक्षा से क्या करेंगे, शिक्षा से उसका फीलिंग करेंगे तो प्रोग्रेस आपको भी बहुत ही अच्छा मिलेगा। देखिए फिर एक चिक्स को बाहर लेके आया, फिर इसका आग भी खुल गया है, मतलब काफ़ी बड़ा भी हो गया है। ठीक है, मैं एक वक्त पर रख देते हैं अभी उस लोग को, क्योंकि ये लोग का अभी शाम का टाइम है, अभी ये लोग को फीडिंग कराना का टाइम है उसका पेरेंट्स को, क्योंकि अभी रात को तो उन लोग को खाना नहीं मिलता। अभी जो फीडिंग मिलेगा उन लोग को वही सारा रात ये लोग को चलेगा। अभी थोड़ा पेरेंट्स को मैं दिखा देता हूँ। देखिए अभी आपको समझ में आ रहा है, देखिए इसका जो कलर है ये होता है रेड फैक्टर पाइनएपल के। इसका जो बॉडी का कलर है देखिए कितना डीप है, मार्किंग देखिए, मतलब जब मोल्टिंग पे आ जाएगा बाद, मोल्टिंग के बाद ऐसा कलर हो जाएगा। जब आपका पाइनएपल रेड फैक्टर कुनू एडल्ट एज में आ जाएगा तो उसका कलर भी ऐसा हो जाएगा। तो चलिए अभी इस चीज़ को दिखाते हैं। देखिए ये दो चीज़ है, इसको मैं ले जाऊँगा। लेकिन इसका देखिए कलर का जो डेप है उतना, मतलब उतना अभी डिफिकल्टी नहीं आया है, लेकिन जब ये मोल्टिंग करेगा तब इसका कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। बाइक का जब पेरेंट्स है तो पेरेंट्स इधर आ जाएगा। तो पकड़ लेते हैं इसको, क्योंकि अभी मेरा घर में जाने वाला है, ये नया मेंबर है या गेस्ट है, मतलब गेस्ट है एक्चुअली ये मेरा, तो इनको मैं लेके जाऊँगा। चलिए पहले पकड़ लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली पकड़ लिया, काफ़ी मेहनत करना पड़ा क्योंकि पूरा एक घर मैं छोड़ा हुआ था बड़ा घर से, जब पकड़ने में काफ़ी मेहनत करना पड़ा, तो फाइनली पकड़ लिया। तो देख लीजिए अभी चलिए इसको जाके मेरा घर में छोड़ेंगे। चलिए फ्रेंड्स दूसरा दिन आएंगे फ्रेंड्स के पास, तो फ्रेंड से थोड़ा बात भी कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि आज का तो टॉपिक थोड़ा दूसरा था, तो फ्रेंड्स का जो सीधा इसमें किया है बाइक का एक्सपीरियंस है वो सब हम लोग शेयर करेंगे, और आगे इनका जो फ्यूचर प्लान है वो क्या क्या बात ले आने वाले हैं, कैसे बात को आगे डेवलपमेंट करने का मतलब सोच रहे हैं, तो सब कुछ शेयर करेंगे। लेकिन आज मतलब यही पे इनसे हम बाय करेंगे, नेक्स्ट दिन आके काफ़ी जानकारी इनसे हम लेंगे। तो चलिए फिर जाते उधर जाके, मतलब मेरा सेटअप पे जाके बात को करते हैं। चलिए तो फ्रेंड्स आ गया मेरा सेटअप पे, अभी छोड़ेंगे इनको। आइए थोड़ा लाइट आपको दिखा देते हैं, क्योंकि तो फ्रेंड्स अभी छोड़ देंगे इस केज में। ये जो फोर, मतलब आपको फोर जो येलो साइज दिख रहा है मेरे घर का, ये संडे निकल जाएगा, क्योंकि एक फ्रेंड है काफ़ी दूर से आने वाला है, मतलब दीघा जो सी बीच है वहाँ से एक फ्रेंड आएगा। एक्चुअली ये सब पहले निकल जाता लेकिन इसका डीएनए नहीं हुआ था, तो उस फ्रेंड ने बोला मुझे डीएनए मैं करा लूँगा, आप एक डी मतलब रिंग पहना के मुझे दे दीजिए तो मैं डीएनए कर लूँगा। तो मैंने बोला ठीक है, इसलिए क्योंकि मेरा जो डीएनए करता है जो बंदा वो थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन था, तो अभी तो आ गया है लेकिन काफ़ी दिन हो गया और नहीं आ रहा है, तो मुझे भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि ये सब बार्स को मैंने सेपरेट किया हुआ मतलब काफ़ी दिन हो गया है, 20-25 दिन हो गया है, तो इसलिए मैंने सोचा ठीक है उस फ्रेंड को दे देते वो डीएनए कर लेंगे। काफ़ी अच्छा हेल्थी और काफ़ी अच्छा साइज में आया है ये सब चीज़, मैं आपको पहले भी बोल रहा था फ्रेंड्स, अगर ठीक से फीडिंग या फ्रूट ये लोग को मिलेगा तो देखिए इनका ग्रो कैसा अच्छा होता है, बा इनका साइज़ देखिए कितना अच्छा आया है। तो फोर योर साइड निकल जाएगा, और जो ये जो पाइनएपल है ए और ये दो तीन हो जाएगा, मतलब ये ब्लड लाइन चेंज हो जाएगा, इसका मैंने तीनों का डीएनए कराऊंगा, तो तीनों का डीएनए करा अगर मेल फीमेल होगा तीनों में से, तो इसका ब्लड लाइन चेंज करके फिर मैं किसी दोस्त को या किसी फ्रेंड को दे पाऊँगा। और वो जो पाँच चीज मैंने देखा हुआ अगर सेल्फ पे आ जाता है तो उस एज का भी कुछ रेड फैक्टर पाइनएपल करूँ मुझे ले आना पड़ेगा, ब्लड लाइन चेंज करके कुछ मैं अपने पास, मतलब एक दो प्यार मैं अपने पास रख सकता हूँ,
और कुछ मैं मेरा जो फ्रेंड्स है जो मुझे बोल के रखा है उनको मैं दे पाऊँगा। तो छोड़ देते हैं पहले, उसके बाद आपको दिखा दूँगा। तो फैन छोड़ दिया फाइनली। देख लीजिए एक बार सारे चिक्स को, काफ़ी डरा हुआ है और काफ़ी थक भी गया है बार्ड्स, क्योंकि वो खूब बड़ा था घर था और काफ़ी फ्लाई किया तो थोड़ा थक गया है। तो ठीक है, अब जो शाम हो गया थोड़ा खा पी के ये लोग रेस्ट लेगा लेगा, तो कल सुबह से फिर एनर्जी लेवल लोग का ठीक हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो यही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।